अस्सलामुअलैकुम। ये जी मेन जीटी रोड है, वो जो गाड़ी आ रही है ये रावलपिंडी से आ रही है और पेशावर वाली साइड पे जा रही है। अभी हम लोग ये गेट बना हुआ है खैबर सिटी का, तो उस पर हम लोग इंटर हो चुके हैं और ये मेरी गाड़ी खड़ी है और आगे हम चलते हैं और आपको सारा मैं इलाका ये दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये जिस रोड पे अभी हम लोग चल के आए, ये पहले डॉक्यूमेंट पे ना सरकारी रोड था 20 फीट चौड़ा। ठीक है, अभी जो कि खैबर सिटी ने ये मजीद और लैंड खरीद के इस रोड को 100 फुट कर दिया। ठीक है, चौड़ा कर दिया और इसको कंक्रीट कर रहे हैं, कारपेट कर रहे हैं और खैबर सिटी जो स्टार्ट हो रही है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये सारी लोकेशन है जी, अभी ये यहाँ से खैबर सिटी स्टार्ट हो चुकी है। ये घर बने हुए आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, वो खैबर हाउस का एक स्कूल है जहाँ पे तकरीबन 200 स्टूडेंट है, बच्चे पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, डेवलपमेंट का काम लगा हुआ है, काम हो रहे हैं, सारे अपनी रूटीन के मुताबिक हो रहे हैं। वो सामने आप घर देख रहे हैं, ये सारे लोग यहाँ पे रैश पजीर हैं। इस साइड पे भी आप देख सकते हैं, ये सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ऑलरेडी आबादी है। ये गलियाँ बनी पड़ी हुई हैं, ये सेक्टर ए है। ठीक है, सीवरेज और गलियाँ जो ये सारी तैयार हैं। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का ऑफिस है यहाँ में और जो डेवलपर है ये उसका ऑफिस है। ठीक है, जो कंक्रीट हो रही है, जो सीवरेज डाल रही है, जो डेवलपमेंट के हवाले से सोसाइटी में काम हो रहा है, ये ऑफिस का ऑफिस है। ये साइड पे हम जा रहे हैं और इस साइड में भी आगे आबादी भी है, लोग भी रह रहे हैं। जिससे आगे चलेंगे सारी सोसाइटी है, वहाँ पर खैबर सिटी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक आते हैं। जिस साइड पे हम लोग आपको प्लॉट दे रहे हैं, सोसाइटी जो प्लॉट दे रही है वो इस साइड पे नहीं है, वो दूसरी साइड है। मैं आपको सारा विजिट करवाता हूँ आज। अभी फर्स्ट स्टेप पे मैं जाऊँगा अपने घर तक और फिर साथ के साथ आपको सारी चीज़ें मैं दिखाता भी और बताता भी। अभी हम लोग वापस आ रहे हैं और जो टी चौक है उससे हम लोग लेफ्ट लेंगे और आगे फिर मैं अपने घर वाली साइड पे जाऊंगा। शाहीन चौक हो गया, घोड़ा चौक हो गया उसको बोलते हैं। ठीक है, सेक्टर A3 A4 बोलते हैं, A7 है ये टी चौक इसको बोलते हैं। ये खैबर सिटी का ही ऑफिस है और साथ में काम हो रहे हैं सिक्योरिटी। और ये जो कबर आप देख रहे हैं सामने, ये हाजी बशीर कुर्सी साहब है जिन्होंने खैबर सिटी का स्टार्ट किया था। उनका इंतकाल हो चुका है और कोरोना में, कोविड में, तो अभी वो तो चले गया उस दुनिया से। अभी पीछे जो भी है उनके बेटे हैं, एक का नाम कामरान है और दूसरे का नाम एहतिशाम है और उनके भतीजे हैं इमरान साहब। और सारे का सारा प्रोजेक्ट जो देख रहे हैं और इमरान साहब देख रहे हैं, ये उनके हयाती होती हुई भी इमरान साहब ही देख रहे थे और उनके जाने के बाद भी उनके बेटों ने इमरान साहब को ही सरबराह बनाया हुआ है। वो ये सारे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पे
जो नाम है वो कामरान का नाम है और एहतिशाम का नाम है। आप लाइट देख सकते हैं, बिजली देख सकते हैं, ठीक है, ऊपर मेरे तारे देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर को देख सकते हैं, ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मौजूद है। ये खैबर सिटी फायर ब्लॉक का ब्लॉक लगा, बोर्ड लगा हुआ है। इस साइड पे भी ये सारी आबादी है, आगे चलेंगे तो वो भी आबादी है बहुत ज़्यादा है, जो कि अभी खैबर सिटी के पास जो रकबा है ये फैक्ट्री है जिस पे टफ टाइल बनती है और ब्लॉक वगैरह बनते हैं जो सोसाइटी के हवाले से आगे काम आते हैं, ठीक। और अब मैं बात कर रहा था कि खैबर सिटी के पास अभी जो टोटल लैंड है वो अराउंड तकरीबन 25,000 कनाल की लैंड है और जिस पे ये सारा काम कर रहे हैं, इधर उधर लेफ्ट राइट बहुत ज़्यादा है इनके पास रकबे हैं और काफ़ी ये सेल भी हो चुके हैं। ये मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ये सारे का सारा A3 का कमर्शियल जोन है जिस पे लोगों के ऑफिसेस वगैरह सारे बन रहे हैं। आप मेरे लेफ्ट राइट पे सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। रियल इस्टेट का सारे काम करते हैं यहाँ पे बैठ के, जो रीसेल के प्लॉट होते हैं, इंस्टॉलमेंट के प्लॉट होते हैं, वो सारे का सारा यहाँ पे काम होता है। ये अभी हम लोग शहीन चौक में पहुँचे हैं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है गल्फ ब्लॉक का, ये आप ऑफिस देख रहे हैं, ये गल्फ ब्लॉक का सारा ऑफिस तैयार हो रहा है। स्पेशली गल्फ ब्लॉक का सारी जो भी मैनेजमेंट की टीम वगैरह बैठेगी, जो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह होगी, ये ऑफिस सारे का सारा उसका तैयार हो रहा है। फिनिशिंग के मराइल पे जा रहे हैं, ठीक है। ये घोड़ा चौक आ गया, ये घोड़ा चौक है मेन, और इससे आगे चलेंगे तो आगे सारा रकबा ही है। अभी जो कि हम लोग घर आए हैं घोड़ा चौक पे, ये सामने आप मेरे देख रहे हैं, ये वाली जो लैंड है, ये वाली जो लैंड है, ये जो सेटअप बना हुआ है, ये सारे का सारा मेरा बना हुआ है, ठीक है। ये 10 मरले पे प्लाजा बना हुआ है और आगे एक कनाल पे घर बना हुआ है, ठीक है। गली आप देख सकते हैं 30 फुट की गली है। अभी हम लोग नीचे जाते हैं, फिर आपको मैं वो सारा विजिट करवाता हूँ। ये देखेंगे तो इसकी बैक साइड पे सारे विले बन रहे हैं, वो मैं ही बना रहा था, वो सेल आउट कर दिए। और फिर इस साइड पे आप देखेंगे वो सामने पहाड़ जो दिखाई दे रहे हैं, ये पहाड़ भी खैबर सिटी के अंडर ही आते हैं। वो सामने जो आबादी आ रही है वो भी खैबर सिटी के अंडर आते हैं। उससे आगे रकबा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेन डबल रोड भी, वो बड़े वाले जो हाई एक्सटेंशन पोल देख रहे हैं उसके नीचे मेन डबल रोड है, 120 फिट की रोड है, उस साइड पे भी मैं आपको लेके जाऊंगा। ये जी अभी मैं आ गया हूँ ऊपर छत पे और ये आप देख सकते हैं इस साइड पे ये भी कंस्ट्रक्शन हुई है। ये विलेज बने थे जो कि आगे फिर मैंने सेल कर दी है। तो ये सारी आप आबादी देख सकते हैं, आबादी हो रही है यहाँ पे। और वो सामने अगर आप देखें नया पाकिस्तान के घर बन रहे हैं, वो हुकूमत जो चेंज हुई है उस वजह से थोड़ा सा काम स्लो हो चुके हैं। ये सारी लोकेशन अभी आपके सामने है, वो मशीनरी लगी हुई है, सारा काम लगा हुआ है, काम हो रहा है यहाँ पे।